खाली का नाम सुखों की खान, भागों वाला नसीबों वाला इस मालिक के नाम से जुड़ता है। मालिक का नाम इंसान को, अंत्यकरण को अंदर से इस तरह धो देता है जैसे मैल से भरे कपड़े को पाउडर या साबुन लगा के मलमल के धोया जाए तो उसकी मैल चली जाती है। इसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल उतर जाया करती है। साबुन लगाने में फिर भी जोर लगता है, कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पर भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है ना, तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है, फ्री में और जन्मों जन्मों के पापों को दो ढालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो तो मालिक का नाम तमाम खुशियां, बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है, और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मालिक के नजारे नहीं ले पाता, मालिक के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ, और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिससे ये धुंध छंट जाएगी और मालिक के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। मालिक के नूरी नजारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक, दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे, आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है, नशे करते हो थोड़ी देर के लिए, गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए, ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए, ऐसा नशा करो
जिसको बार बार पीना ना पड़े, वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो, ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं, काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते, संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमीदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था, छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था। तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर दो मण चने हैं और इधर दो मण रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो एक मण चने इधर डाल ले, एक मण चने इधर डाल ले, घोड़ा दो मण वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा, हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात, जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के, तो वो कई बार उसका बैक गेयर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी, अब बैक गेयर अड़ गया। खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैक ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टेयरिंग पीछे, तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाए, वो भी नेक बन जाए, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नज़ारे आ जाएं, मजा आ जाए।